गलत लाइफस्टाइल और खान पान से लोगों की सेहत पर खराब प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हम सभी को कई सारी बीमारियों व दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे ही मोटापा, थकान, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या इत्यादि। वहीं अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और अपने शरीर की चर्बी को घटाने के लिए जिम में खूब पसीना बहाते हैं या फिर डाइटिंग करते हैं, तो इनके साथ ही योग भी काफ़ी असरदार है। हर बीमारी का नेचुरल तरीके से इलाज नियमित रूप से योग कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप नियमित रूप से योगासन करेंगे तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गोकुल है और मैं साधक योगशाला में योग शिक्षक हूँ। तो योग के अनेक फायदे हैं, जैसे आजकल बीमारियाँ हो रही हैं तो नियमित योगाभ्यास करने से वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, साथ के साथ जो हमारा शरीर है उसका लचीलापन बनता है और शरीर की जो होती है शक्ति भी बढ़ती है। तो सभी व्यक्तियों को योग नियंत्रण करना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके जो होने वाले स्राव हैं वो भी बैलेंस में आते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। बालासन करने के लिए सबसे पहले हम जो है प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, यानी कि आपके जो दोनों पैर हैं वो सामने की तरफ रहेंगे, दोनों टखने मिले हुए रहेंगे, पैर मिले हुए रहेंगे, कमर आपकी एकदम सीधी रहेगी। गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को आप मोड़ लेंगे, बैंड कर लेंगे, और जो आपकी एड़ियाँ हैं वो आपके नितंबों को स्पर्श करेंगी। फिर गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, और आपकी जो पेट है वह थाई पे स्पर्श करेगा, चेस्ट जो है वो भी आपकी पैर पे स्पर्श करेंगी। आप वज्रासन करने के लिए जो है ये बहुत ही आसान आसन है। अगर आप किसी भी बैठने वाली स्थिति में तो पैरों को एकदम सामने सीधे ले आइए, जो पश्चिमोत्तान की प्रारंभिक स्थिति होती है जिसे बेस स्थिति भी कहते हैं। उसके बाद में आपको दोनों घुटनों को मोड़ना है और आपकी जो हील्स हैं, एड़ियाँ हैं, उन्हें नितंबों के नीचे लाना है। कमर को आप सीधा कर लेंगे और आपकी जो दोनों हथेलियाँ हैं वो आपके घुटनों पर रेस्ट करेंगी। नज़रें आपकी सामने किसी बिंदु पर होंगी, परंतु ध्यान रखना है कि आपकी जो कमर है वो एकदम सीधी रहे। हलासन करने के लिए हमें सबसे पहले पीठ के बल आ जाना है, दोनों हथेलियाँ जो है हमारे जांघों के बगल में रहेंगी, और सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अगर आप एकदम से पैरों को सर के पीछे नहीं ला सकते हैं तो थोड़ा सा आपको पुश करना है अपने आप को, और पैरों को सर के नीचे ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ आपकी जो दोनों भुजाएं हैं वो समांतर रहेंगी। अगर आपको समांतर रखने में समस्या हो रही है तो आप अपनी जो उंगलियाँ हैं उन्हें आपस में इंटरलॉक भी कर सकते हैं। थोड़ी देर, लगभग 5 से 10 सेकेंड इस आसन में रुकने के पश्चात आप धीरे धीरे पैरों को वापस ज़मीन में ले आएंगे। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।